Hello, Tanya. Happy New Year to all of you. Thank you, madam. So your new project is going to come this year. Yes, yes. Would you like to say something about it? Yeah, my recently project is released called Dillo. It's our own content. It's available in Ullu. And then one more web series is coming in Ullu only. That is called Watchman. And one more music video is coming. And what about Gandhi Baat season, next season? Next season ke baare mein to abhi baat nahi hui, but I started my career Gandhi Baat season 4 se. Yes. To bahut acha response mila tha. Bahut positive comments mujhe aate hain, honestly. Bahut sare DMs aate hain, you are looking hot, sexy. Ye bhi aate hain aur negative comments bhi aate hain. Like, I don't know, abhi bhi sex kyun taboo hai hamare India mein? Hum log kaise aaye? Obviously, mere parents ne, like, they got involved and then he came na. To isko leke itna taboo kyun hai? Agar main, I'm doing something with my boyfriend in real life, तो कुछ तो करना पड़ेगा. वही रील में मैं कैरेक्टर एग्जीक्यूट कर रही हूँ. इसमें इतना टैबू क्यों है? लोग पर्सनल प्राइवेट पार्ट के मुझे पिक्स भेजते हैं DMs में. कैन यू इमेजिन? मतलब इतने फ्रस्ट्रेटेड हो यार. अगर बड़ा भी छोटा भी वो मैं कौन होती हूँ जज करने वाली, राइट? वो तो अपने वाइफ और गर्लफ्रेंड को जाके सेटिस्फाई करो. मैं कौन होती हूँ? तो यही सेक्स टैबू है. अपने ब्रॉड मेंटालिटी करो यार, और मेरे वेब सीरीज को देख के मजे लो. उसके लॉजिक में मत चलो और उसको लेके जज मत करो. ओके, बिग बॉस फॉलो कर पा रहे हो आप? बिग बॉस देखते हो? बिग बॉस हाँ देखती हूँ कभी कभी. मतलब जब मैं फ्री होती हूँ तब मैं बिग बॉस ही देखती हूँ. इट्स माय बेस्ट टाइम पास. वेरी स्पाइसी. हाल ही में एक तुनिशा शर्मा की काफ़ी दुख भरी थी. आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ हाँ, मैं उसके बारे में यही कहना चाहूँगी, लाइक किसी के लिए लाइफ देना इज नॉट माय जॉब, नॉट माय एडवाइस. लाइक यू मैटर एट द एंड ऑफ द डे. आप किसको अपने लाइफ में एंट्री दोगे, किसको अपना बॉयफ्रेंड बनाओगे, किसके साथ रहोगे, किसके साथ प्रोजेक्ट करोगे, वो आपका डिसीशन है. ये दो दिन का लड़का आके यार क्या हो गया कि जान ही दे दिया? सो इट्स नॉट वर्थ. एक्चुअली योर लाइफ इज ब्यूटिफुल. यू एक्सप्लोर योर लाइफ, यू एक्सप्लोर योर सेल्फ. दैट्स इट. थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू. और मुझे विश चाहिए, बहुत व्यूअर्स चाहिए. मेरे जो जो वेब सीरीज रिलीज हो रही है, रिसेंटली हुई है सिने प्राइम में वाइल्ड फैंटेसी, बहुत ही ज़्यादा हॉट है, अट्रैक्टिव है. आप लोग जाके देखो एंड विश मी अ लक. ओके, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. पहले भी जानना चाहूँगा आप अपने आप को किस तरीके. मैं डाइट करती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, और मेरा आई हैव गॉट अ बेस्ट ट्रेनर दानिश खान, वो मुझे ट्रेन करता है. सो आई एम वेरी हैप्पी विद, मतलब वेरी सेटिस्फाइड विद दैट. प्रॉपर वर्कआउट, प्रॉपर डाइट. और जब मैं चीट करती हूँ बहुत दबा के खाती हूँ, पैनकेक्स, बिरयानी सब, बट जब जोन में रहती हूँ तो जोन में रहती हूँ. तानिया जी, आपको उल्लू में आता है शो, आता है, लोग काफ़ी पसंद करते हैं आपके एक्टिंग को, काफ़ी सारा आते हैं, क्या कुछ कहना चाहो? हालांकि हमेशा बोल्ड लुक में आप दिखते हो, हाँ, इसके बारे में क्या कहना? हाँ, अभी तक मैं बोल्ड लुक में ही दिखी हूँ. गंदी बात सीजन 4, जाल, कसक, देन तितलिया, देन वॉचमैन, अभी रिलीज हुई है दिल दो, ऑल्ट बालाजी एंड उल्लू मिला के. लोग बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, ऑनेस्टली, यू आर लुकिंग हॉट, यू आर लुकिंग बोल्ड, वेरी नाइसली एग्जीक्यूटेड. बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, बट इसके साथ साथ नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट्स बहुत आते हैं, बहुत. लाइक आ जाओ, पर्सनल टाइम स्पेंड करते हैं, लाइक अपने प्राइवेट पार्ट्स के फ़ोटो, डिक के फ़ोटो. लाइक हु एम आई टू जज एनीवंस डे? मैं क्या बेस्ट डिक अवार्ड दूँगी किसी को? नहीं ना. अच्छा साइज़ है तो अपने घर में जाके सेटिस्फाई करो, अपने वाइफ को जाके, गर्लफ्रेंड को जाके. मेरे को क्यों भेज रहे हो? मतलब बोल सीन्स करने का ये मतलब नहीं होता है. आई एम एग्जीक्यूटिंग अ कैरेक्टर ऑन स्क्रीन, आई एम पोर्ट्रेइंग अ कैरेक्टर. वहाँ पे सिर्फ बोल सीन्स नहीं है, इमोशन से बहुत सारी चीज़ें हैं. आप लोग सब चीज़ को जज किया करो. और सेक्स टैबू है अभी भी हमारे इंडिया में, सेक्स टैबू है, बाहर टैबू नहीं है. सेक्स के बारे में बात करना, हाँ क्या बोल दिया, ऐसे अभी भी एक्सप्रेशंस आते हैं. तो इसको इतना वाइड, मतलब ब्रॉड माइंडेड हो, ब्रॉड माइंडेड, अपने माइंड को ब्रॉड किया करो, बस यही बात है. और मेरे वेब सीरीज़ को लेके मज़े लो,
उसमें लॉजिक में मत जाओ, जज मत किया करो। मैं एक्ट्रेस हूँ, मेरा काम है सब सेगमेंट में काम करना, मेरे पास बोल्ड भी आएंगे, अनटिल अनलेस आई एम लुकिंग हॉट आई कीप ऑन डूइंग बोल्ड वेब सीरीज। मैं अगर स्क्रीन में अच्छी लग रही हूँ मैं करूँगी, और उसके साथ साथ बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात चल रही है, ऑनेस्टली टीवी शोज़ के बारे में बात चल रही है, म्यूज़िक वीडियोस रिलीज़ हो रही है मेरी, एक तो रिलीज़ हो चुकी है एक रिलीज़ हो रही है, तो मेरे को सारे सेगमेंट में प्रूव करना है अपने आप को, बट बोल्ड जोन में मुझे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, सो दैट्स माई एडवांटेज। साथ ही आजकल की जो यूथ है, जो जनरेशन है, हाँ, काफ़ी छोटी छोटी बात में टेंशन ले लेते हैं काफ़ी, और मैं बात कर रहा हूँ निशा शर्मा जी, जो इतने कम उम्र में खुदकुशी कर रही है, उनके बारे में कहना है। मैं यही बोलूँगी यार, किसी के लिए अपने लाइफ को समर्पण कर देना इट्स नॉट माई जोन, मैं उस तरीके से नहीं सोचती, मैं इज़ द आई इज़ द मेन थिंग, यू आर द मैटर एट द एंड ऑफ द डे। आप किसको अपने लाइफ में एंट्री दोगे, किसके साथ रहोगे, आप मैटर करते हो यार, उस लड़के के साथ रहना है, लव करना है, प्यार हो जाता है, समझ सकते हो, बट लड़के आते जाते रहते हैं ऑनेस्टली, बट किसी के लिए अपने लाइफ को समर्पण देना है नॉट, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, प्रूव योर सेल्फ, एक्सप्लोर इट, दैट्स इट। आपको क्या लगता है, निशा शर्मा को इंसाफ मिले? इंसाफ देखो, मुझे एक्चुअली में नहीं पता दोनों के बीच क्या हुआ है, दोनों के बीच एक्चुअली नहीं पता है, शायद लड़के का शायद फॉल्ट नहीं भी हो सकता है, ज़्यादा इमोशनल वो हो गई है, ज़्यादा प्यार वो कर बैठी है, तो वही एक चीज़ होती है अपने आप को समझाना कि नहीं यार यहाँ पे गलत जा रही है चीज़ें, मैं थोड़ा सा स्पेस दे दूँ, मैं छोड़ दूँ उसको, या थोड़ा सा स्पेस, तो वो अपने आप को समझाना पड़ता है यार, मेंटल हेल्थ। साथी फैशन को लेके हमेशा सुर्खियों में छाई रहती है उर्वशी जावेद, हाँ, उनके ऊपर केस हो गया है, बीजेपी के लीडर ने केस किया है, लाइक उनके ऊपर केस होना तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो होती रहती है और वो सॉल्व भी कर देती है, सो इट्स कोई नई बात नहीं है, सो इट्स अ ट्रेंडिंग नाउ। थैंक यू, थैंक यू। मैम, शाहरुख खान की मूवी को लेके, पठान मूवी को लेके काफ़ी बायकॉट की चलती थी, हाँ, उनके बारे में क्या कहना है? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, अभी से प्लान कर लिया कौन से ग्रुप के साथ मैं जाऊँगी पठान देखने, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, शाहरुख इज़ लुकिंग अमेजिंग हॉट, मतलब इतने एज में कोई हॉट दिख सकता है उनके लिए, तो सारे लड़कों को छोड़ दूँ यार, यंग लड़के को, यंग लड़के लोग गेटिंग, दे आर गेटिंग इनसिक्योर, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द मूवी। दीपिका जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? शी इज़ अ डीवा, शी इज़ ऑलवेज अ डीवा एंड शी इज़ लुकिंग अमेजिंग हॉट, अपने बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से दूसरा जोन दिया है, अभी बनाई है, सो आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम हर। कलर को लेके विवाद चालू था, क्या सही था? कौन सा कलर? क्या ऑरेंज, ऑरेंज कलर को लेके मैंने हाँ हाँ उसको लेके क्या था, क्या मैंने सुना ही नहीं, नहीं नहीं यार, नॉट एट ऑल, लाइक कलर क्या पहनोगे, किस कलर में आप ब्राइट लगोगे वो आपकी मर्जी, कलर को लेकर भी बातें हो रही है, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया इस बारे में, बट इट्स रॉन्ग यार, व्हाट कलर सूट्स यू इट्स योर मैटर, इट्स योर थिंग। थैंक यू, थैंक यू।